Hello friends, welcome back to our channel BA Honors English. Today our topic is Joseph Addison's essay The Character of the Will Wimble. इसके अंदर करैक्टर बताया गया है विल विम्बल का. जोसेफ एडिसन जो है वो एक फेमस इंग्लिश पोइट है, एसेइस्ट है, एक ड्रामेटिस्ट है, एक फेमस जर्नलिस्ट है और एक पॉलिटिशियन भी है, जो कि स्पेशल सिर्फ द टैटलर और द स्पेक्टेटर के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि द स्पेक्टेटर और द टैटलर जो है वो इन्होंने रिचर्ड स्टिल ने और जोसेफ एडिसन ने दोनों ने मिलकर लिखा है, इसके लिए दोनों जाने जाते हैं. जोसेफ एडिसन का ये जो ऐसे है करेक्टर ऑफ विल विम्बल, वह एक आदमी विल विम्बल के बारे में लिखा है उन्होंने, जो कि दो लास्ट में जाकर जो दो भाइयों के डिफरेंस को बताता है कि दोनों भाइयों की सोच में कितना फ़र्क है. अब एडिसन बताते हैं कि वो अपने फ्रेंड के किसी फ्रेंड के घर पे जाए हुए थे, जिसका नाम है सर रोजर. सर रोजर के घर पे गए हुए थे, सुबह सुबह का वक्त था, वे मॉर्निंग में बीच पर टहल रहे थे दोनों. तो एक मैसेंजर आता है और उनसे कहता है कि मैं विल विम्बल की तरफ से आया हूँ और उसके हाथ में एक बड़ी सारी मछली होती है. वो एक मछली लेके आता है और एक लेटर लेके आता है. वो लेटर उनके हाथ में थमा देता है और चला जाता है. इसके बाद विल विम्बल जो है वो उनकी इच्छा बताई गई है, इनके अंदर क्या इच्छा है. इसके बाद जो सर रोजर है वो लेटर पढ़ते हैं और उसके अंदर विल विम्बल ने कहा है कि वो आएगा, उनके घर पर आएगा और वो उनके घर पर एक वीक तक रहने की इच्छा जाहिर करता है. और आगे वह कहता है कि वह उससे प्रॉमिस भी करता है कि वह उनके चाबुक के लिए एक लैस भी लेके आएगा, मतलब एक रस्सी भी लेके आएगा उसके चाबुक के लिए. आगे वह कहता है कि उन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो जो सर जॉन की फैमिली है उनको हेल्प करने में बिजी है, अभी वो उनकी यहाँ पर इसीलिए नहीं आ रहा है. अब वो कहता है कि चलो अब उसके करैक्टर की तरफ चलते हैं. वो ऐसे कहता है कि अब उनका करैक्टर हम देखते हैं कि वो कैसे इंसान थे. तो वो कहता है कि वो बैरोनेट फैमिली के एल्डेस्ट सन थे. वो कहता है कि उनकी एज लगभग 40 से 50 साल की थे, वो 40 से 50 साल के बीच दिखते थे. अब वो कहता है कि जो उनके पास कोई स्पेशल बिजनेस नहीं था, वो कोई स्पेशल बिजनेस नहीं करते थे, लेकिन जो वो हस्तशिल्प से लोगों की मदद करते थे, मतलब हस्त कौशल से, हाथ से बनाई हुई चीज़ों से लोगों की हेल्प करते थे. आगे वह कहता है कि वैसे तो अपने पास ट्यूलिप्स रखता था और वो फैमिली मेम्बर्स को उन्हें गिफ्ट कर देता था. इसके अलावा वह अपने पास छोटे छोटे पपीज भी रखता था जिसे वह दूसरे लोगों को गिफ्ट करता था. और वह कहता है कि वो जो वुमेंस को भी गिफ्ट प्रेफर करता था, वो वुमेंस को भी छोटे छोटे पपीज या फिर हाथ से बनाई हुई ड्रेसें दे देता था. अब वह कहता है कि जब वह सर रोजर के घर पर जाता है तो रास्ते में उसे एक हैजल का पेड़ मिल जाता है, तो वो हैजल ट्विंग्स तोड़ के ले जाता है और उनको दे देता है. आगे वह कहता है कि रोजर ने उनका बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया, उन्हें बहुत प्यार दिया. अब वह कहता है कि सर रोजर से मैं एक मांग करता हूँ, विल विम्बल जो है वो सर रोजर से मांग करते हैं कि मुझे एक सर्वेंट चाहिए, जो कि एक लेडी है उसे उसकी सेवा कर सके, मतलब एक सर्वेंट उसे उसको ज़रूरत है कि वो उसे दे सकता है. तो फिर उसके बाद वह कहता है कि मैंने ये एडवेंचर किए, वो एडवेंचर, वह अपनी एडवेंचर स्टोरी सुनाने लगता है. उसके बाद वह एक डिनर पर बैठ जाते हैं और वो फिश खाते हैं. उसके बाद जो फिश का बनाया हुआ खारा होता है वो देखकर सोचता है कि हाँ मैंने कैसे ये मछली पकड़ी. तो वह यह उनको बताता है कि उसने कैसे इस मछली को पकड़ा. अब डिनर के समय जो एडिसन है, जोसेफ एडिसन, उसकी तरफ देखते हुए उसे बहुत पिटी फील होता है. वो सोचता है कि यह एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, बहुत ही अच्छा आदमी है. यदि यह आदमी, मतलब इसने खुद का बिजनेस किया होता. अब ये याद करता है कि ये दो भाई है, जो कि इसका छोटा भाई है वो यूरोप में रह रहा है, लेकिन इसने अपनी फैमिली के लिए अपना पूरा बिजनेस छोड़ दिया है, और जो इसका भाई है उसने पूरे बिजनेस को अपने हाथ में ले लिया. तो ये है कहता है कि काश कि इन्होंने
एक बिजनेस किया होता, बिजनेस के फील्ड में गया होता ये, तो आज यह बिजनेस कर रहा होता, इसके पास कोई मतलब काम नहीं है, ये कोई काम नहीं करता है, तो वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा पिटी दिखाते हुए और दोनों भाइयों का के बीच में डिफरेंस दिखाते हुए कि ये अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, अपने ऐसी को ख़त्म करता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।